Hello and good morning all of you. Welcome to the Alpha ES Academy Disaster Management Series. And today we are at the lecture 2, and in lecture 2 we'll be discussing cyclones and floods, urban heat island क्या होता है, floods का management कैसे होता है इंडिया में, क्या क्या हम लोग करते हैं और क्या क्या problem आ सकती है, floods क्यों urban areas में बढ़ते जा रहा है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो साइक्लोन्स होते क्या हैं? देखो यार, आप सबने देखा होगा चक्रवर्ती तूफान आ गया है ना, चक्रवर्ती तूफान आते हैं, आपने सुना होगा टीवी में, ठीक है, उन्हीं को साइक्लोन्स बोलते हैं. नाउ साइक्लोन्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन्स, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. जो हमारे इंडिया में आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, और जो अपर लैटिट्यूड्स में आते हैं, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आते हैं, वो होते हैं टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, तो साइक्लोन को देखो कॉज बनता कैसे है ना, बनने का भी उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है. तो पहले साइक्लोन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. साइक्लोन है क्या? साइक्लोन एक एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है जो कि एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड क्रिएट होती है. हमेशा याद रखना, लो प्रेशर एरिया के अराउंड क्रिएट होती है ना, और उसकी जो हवाएं होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, ऐसे ऐसे देखा है घूमते हुए, बहुत तेज होती हैं, और उसके बीच में बीचों बीच आई होती है साइक्लोन की. ठीक है, साइक्लोन की जो आई होती है वो सबसे ज़्यादा शांत एरिया होता है. आप अगर साइक्लोन की आई में खड़े हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि साइक्लोन चल रहा है आपके अराउंड. ठीक है, दस इट इज़ दे आर कॉज बाई एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस अराउंड अ लो प्रेशर एरिया डिस्टिंग्विश बाई स्विफ्ट एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन. ठीक है, नाउ जो एयर सर्कुलेट होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होती है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होती है, और यही बात एंटी साइक्लोन के लिए उल्टी हो जाएगी. एंटी साइक्लोन के लिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एयर रोटेट होगी वो क्लॉक वाइज होगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी. ठीक है, एंटी साइक्लोन के केस में. साइक्लोन के केस में देखो ज़्यादा साइक्लोन नहीं आता, क्योंकि हम लोग जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साइक्लोन से ही प्रभावित रहते हैं, इसलिए साइक्लोन का पूछा जाना बहुत संभावित भी रहता है. ठीक है, तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, दोबारा पढ़ लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ साइक्लोन की डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर को जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज में जाएगी. ठीक है, दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, जो हायर लैटिट्यूड्स में होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं मैंने आपको बता दिया, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आते हैं उन्हें अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे कई जगह उसे हरिकेन बोल देते हैं, कई जगह टाइफूंस बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया उसको विली विली बोल देंगे. ठीक है, तो एक टाइप का हीट इंजन है, उसमें जो है बहुत सारी एनर्जी जमा हो गई है इसलिए वो घूम रहा है. ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई भी चीज़ हो जाती है, एक्चुअली ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना है. ठीक है, और वो पूरा प्रेशर उठाता है. तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है. अच्छा, मेरी फोटो साइड में थोड़ी सी ब्लर आएगी, थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, उसको हम फिक्स करेंगे जल्दी, बट आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. अब देखिए, आउटफ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, इस पर ध्यान मत देना, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार बच्चों के लिए कि जो आउटफ्लो है, बच्चे बोलते हैं यहाँ तो सर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, अरे आउटफ्लो है आउटफ्लो. हम जब भी साइक्लोन की रोटेशन की बात करेंगे तो अंदर कैसे उसमें हवा घूम रही है वो देखेंगे. ठीक है, तो साइक्लोन में जो हवा घूमेगी अंदर वो क्लॉकवाइज में घूमेगी. ठीक है, और ये आईवॉल हो जाएगा आपका. ठीक है, ये एयर सिंक हो रही है ऊपर से. ठीक है, ये रेन बैंड्स हैं, यहाँ बहुत बारिश होती है ना, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं जो बारिश देते हैं, काले काले से बादल देखे होंगे. ठीक है, आउटवर्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो वार्म एयर राइज हो रही है, इसी से इसको जो है एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि साइक्लोन का मैंने आपको रोटेशन क्या बताया था, क्लॉकवाइज कहाँ होगा, सदर्न में. अगर ये नॉर्दर्न में होता तो एंटी क्लॉकवाइज होता. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप. फिर कंडीशंस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए? पहले तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके घर के तालाब में साइक्लोन बन गया. ठीक है, या नदी में साइक्लोन बन गया. इट नीड्स अ वेरी लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, जो कि आपको ओशंस में ही मिलेगी. ये बहुत बड़ी ही लार्ज वाटर बॉडी है, मेडिटेरेनियन सी टाइप की, वहाँ मिल सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है. स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स चाहिए. कोरियोलिस फोर्स मैं आपको बता दूँ क्या होती है. कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स होती है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है. ये एक टाइप की आर्टिफिशियल फोर्स होती है. ठीक है ना, एक अगर किसी ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा अपने स्कूल में, तो प्रोजेक्टाइल मैं यहाँ से डालता हूँ तो अर्थ घूम चुकी होती है तो कहीं और गिरेगा वो, तो कोरियोलिस फोर्स का को अकाउंट में लेना पड़ता है. बट कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे हमें पता है सबसे स्ट्रांग होगी पोलर रीजन्स में, और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो कोरियोलिस फोर्स वीक होती जाती है. इसलिए जो नियर इक्वेटर है वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स वीक रहती है. इसलिए जो 0 to 5 degree लैटिट्यूड है वहाँ पे, 0 to 5 degree लैटिट्यूड किसके, 0 to 5 इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 to 5 नीचे
सदन में, यहाँ पे जो है साइक्लोन के बनने की संभावना बहुत कम रहती है। अनस्टेबल कंडीशन चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कोई लोकल, कोई भी मतलब लोकल डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में बड़ी अनस्टेबल सी कंडीशन चाहिए बड़ी, और एक हमेशा एक हल्का सा वार्म वाटर चाहिए, वार्म वाटर से जो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्ट एयर होना चाहिए। अगर ये रुक गया ना तो साइक्लोन दब जाता है। इसीलिए जब साइक्लोन जो है ज़मीन पे पहुंचता है तो उसकी जो मॉइस्चर वाला, अब क्या वो पानी तो मिल नहीं रहा, उसे मॉइस्चर तो मिल नहीं रहा, तो वो जैसे जैसे अंदर जाता है लैंड में वो वीक होता जाता है और कमज़ोर होता जाता है, इसलिए वो ज़्यादा देर दूर तक जा ही नहीं पाता साइक्लोन। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि उड़ीसा से घोड़ा घुसा और जम्मू कश्मीर तक साइक्लोन पहुंच गया, है ना, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड वर्टिकल वेज, मतलब देखो अब ऐसे घूम रहा है, अगर उसके साइड में तेज तेज हवाएं होंगी तो वो बन ही नहीं पाएगा, है ना भाई। एक चीज़ ऐसे ऐसे घूम रही है और अगर उस पर वर्टिकल में लगाऊँ ऐसे, तो अगर वर्टिकल विंड्स तेज होंगी तो साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा। देन स्पेटियो टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लेते हैं इंडिया में। एक्चुअली देखो इंडिया में दोनों साइड कोस्ट है, ऐसा है, अरेबियन सी में भी साइक्लोन आते हैं और आपका बे ऑफ बंगाल में भी साइक्लोन आते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पे पूरा उनका और कोस्टल एरिया है, कोस्ट से कनेक्टेड है, तो दोनों साइड जो है साइक्लोन आते रहते हैं, ठीक है। मैप में देख लेते हैं, देखो ये जो ब्लू वाला रीजन है ये तो बहुत यहाँ पे ज़्यादा था, ये बेटर बेटर ग्राफ ये है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र के कुछ रीजन, ये गुजरात के कुछ रीजन, और ये मतलब यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा आता है आपका ईस्टर्न कोस्ट पे तो बहुत ज़्यादा आता है ना। जैसे ओखी आ जाएगा कभी, उड़ीसा में आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश में सुना होगा, कितने तूफान आते हैं वहाँ पे, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसलिए मैं आपको बताऊँ, देखो इंडिया के पास जो है बहुत अच्छा और सोफिस्टिकेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है साइक्लोन को लेकर, क्योंकि हमारे बहुत पहले से साइक्लोन आते हैं और हमने जो है इतना रोबस्ट मैकेनिज्म डेवलप कर लिया साइक्लोन को लेकर कि अब साइक्लोन क्षति अभी भी होती है, लॉस ऑफ लाइफ अभी भी होती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अभी भी होती है, बट उसको मिनिमाइज़ कर दिया गया है बहुत मिनिमम पे और लगातार उसमें अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया हर चीज़ में पीछे है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइक्लोन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तो ये स्पेटियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, थोड़ा सा जो है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे कम आता है और ईस्टर्न कोस्ट, इसलिए बे ऑफ बंगाल से जो है ना बहुत ज़्यादा बनते हैं ये, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस तो वही होंगे भैया, तबाही मचती है जब वो आता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैंने आपको बता दी है कि जैसे ही वो लैंड को हिट करेगा, उसकी मॉइस्चर की जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी, मॉइस्चर की सप्लाई कट हो गई तो अब उसे जो है उसका फ्यूल मिल नहीं रहा, अब फ्यूल जो है उसमें जो बचा हुआ फ्यूल है उसी पे वो आगे बढ़ता है और वो जाते 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 बुझता जाता है, ठीक है। लेकिन जो कोस्टल एरिया होते हैं उस पर जब वो हिट करता है तो बहुत तेज़ी से हिट करता है, क्योंकि वो कोस्ट से पूरा एकदम बन के आ रहा होता है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि वो एबनॉर्मल राइस पैदा करता है, साइक्लोन जो है एबनॉर्मल राइस पैदा करते हैं सी लेवल में, जिसको कि हम लोग स्ट्रॉम सर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्ट्रॉम सर्च के नाम से जानते हैं। देन साइक्लोन मिटिगेशन मैकेनिज्म इन इंडिया, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के पास साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट है, IMD उसको देख रेख करता है, नोडल डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, वो विंड डिटेक्शन देखता है, ट्रैकिंग देखता है, साइक्लोन्स को फोरकास्ट करता है। देखो साइक्लोन्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ये आप मैप में देख रहे हैं, आपने ये टीवी में भी देखा होगा, ये साइक्लोन बन रहा है, बोलते ना बे ऑफ बंगाल में अभी 300 किलोमीटर दूर रह गया, आज वो 250 किलोमीटर दूर रह गया, 100 किलोमीटर, इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि वो टाइम बता देते हैं कि 3 बजे उड़ीसा के कोस्ट पे लैंडफॉल करेगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप की इमेजेस आपने देखी होंगी, तो ये क्या, एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है, ठीक है। देन एक हमारे पास नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट भी है, जिसको हम NCRMP बोलते हैं। देखो इसका आप नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स, बाकी इसके लिए जो मटेरियल है ये अवेलेबल है पूरा का पूरा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे साइट पे भी अवेलेबल है, इसका लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, पहले बात है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग, जो लोग इफेक्टेड हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उन्हें अर्ली मोबिलाइजेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बस जो तुरंत सामान है वो पैक करके बस निकल लें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम कभी कभार नहीं मिलता है। देन साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि साइक्लोन सेल्टर बना सकते हैं, ठीक है। देन जो सेलाइन इम्बैकमेंट्स बना सकते हैं, कि मतलब आपको क्या है कि उसकी फोर्स तोड़नी है, जैसे हम लोग कल सुनामी की बात कर रहे थे, सुनामी में हमने केस स्टडी आपको पढ़ाई थी तमिलनाडु के विलेज की, जहाँ पे पेड़ लगाए गए, पेड़ ने क्या किया, उसकी स्पीड को ब्रेक किया और वहाँ पे बड़ा मिनिमल लॉस हुआ था। ऐसे ही साइक्लोन में भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और वॉल्स बना देंगे
ठीक है, या पेड़ लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, साइक्लोन का जो स्पीड है वो टूटेगा, जिससे कि साइक्लोन कमज़ोर हो जाएगा। जब साइक्लोन कमज़ोर हो जाएगा तो वो कम से कम कम इफेक्ट पहुँचाएगा या कम तबाही मचाएगा। ठीक है, देन टेक्निकल असिस्टेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग हमेशा रहती है लोगों की भी, जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उस एरिया के, NDRF की टीम है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की जो टीम है वहाँ पे। ठीक है, अब हर एरिया की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, आप माउंटेन वाले को फ्लड मैनेजमेंट में नहीं भेज सकते, क्योंकि जो एवलांच मैनेजमेंट है वो फ्लड मैनेजमेंट से अलग है। तो हर चीज़ की बड़ी प्रिसाइज डिटेल है, आपको हर चीज़ के लिए अलग ट्रेनिंग देनी पड़ती है। दो की इंडिया में जो NDRF है या SDRF है, वो बहुत सारा काम कर लेती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में ट्रेंड रहते हैं। पर ठीक है, आपको पता है कि उड़ीसा में साइक्लोन बहुत आता है, तो उनको साइक्लोन के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग दो। ठीक है, जो रिस्क डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट करो, आप रिस्क को असेस करो, क्या रिस्क है, क्या डैमेज हो सकता है ना, प्रॉपर अच्छा डेटा का जमाना है। ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज क्रिएशन मैंने आपको बता दिया, अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है आपको, टेक्निकल असिस्टेंस देनी है और नॉलेज क्रिएशन करनी है। इसको आप तीन में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उसको आप ढंग से मैनेज करें, ऐसा ना हो कि वीक बिल्डिंग्स बने, है ना, आपने समुंदर के किनारे पे एकदम बड़ा सा होटल बना दिया। ठीक है, और जब हिट करेगा उसे तो उड़ा देगा एक मिनट में उसको। ठीक है भाई, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर्स तक, किलोमीटर पर आर तक भी स्पीड चले जाती है विंड्स की, जब साइक्लोन हिट करता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो एरिया है उसको मार्क करें, मार्क करके उसको देखें कि वहाँ पे किस प्रकार की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हमारे पास एक इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान भी है। ठीक है, ICZM, आपने CRZ, CR2 ये सब पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक्चुअली ये एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है हमारी, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, उसकी मदद से ये चलता है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें बनाई गई थी, एक सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, इसको सिकॉम से जाना जाता है। इसका काम यह है कि इट सीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट द नेशनल एट द स्टेट लेवल। ठीक है, देन एक नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट बनाया गया था चेन्नई में, वो क्या करता है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान इंक्लूड नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, ICZM वेस्ट बंगाल, ICZM उड़ीसा, ICZM गुजरात, क्योंकि ये तीन स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं साइक्लोन्स से। ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे साइक्लोन्स होते हैं मैंने आपको बता दिया। देन व्हाट आर द क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सुनामी इन इंडिया। ठीक है, साइक्लोन होना चाहिए। ठीक है, ये हमसे भी प्रूफ रीडिंग में दो तीन बार प्रूफ रीड किया गया, तब भी रह गया, वी आर वेरी सॉरी, ये साइक्लोन है, इट्स नॉट सुनामी। ठीक है, देन फर्स्ट वन इज़ द फेलियर ऑफ, हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वेल इंजीनियर्ड नहीं है, जो कम्युनिकेशन लाइन्स है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इसलिए एक हैम रेडियो होता था, है ना, हम लोग का एक दोस्त था स्कूल में, वो हैम रेडियो ऑपरेटर था, तो एक बार मैंने उससे पूछा यार ये हैम रेडियो क्या होता है, तो उसने मुझे बताया कि यार जब भी कभी डिज़ास्टर होता है तो कम्युनिकेशन लाइन्स हट जाती हैं, उसकी ट्रेनिंग होती थी, उसका नाम भी आया था एक बार, है ना, और इसीलिए हैम रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं, बच्चों को भी ट्रेन किया जा सकता है उसमें। हम उस टाइम तो 11th क्लास में ही था मैं, एंड ही वाज अ हैम रेडियो ऑपरेटर, अ वेरी ब्रिलियंट गाय, है ना, अभी तो बड़ी कंपनी में काम कर रहा है किसी में, बट या तो ऐसे में हैम रेडियोज़ काम आते हैं, तो कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कत आती है जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं। देन हमारे पास कोई भी ऑटोमेटेड स्टेट ऑफ आर्ट क्या बोलते हैं उसे ऑपरेशनल फैसिलिटी नहीं है कि कनेक्टिविटी बढ़ा सकें, है ना। NDMA देखो, जो नोडल एजेंसीज हैं वो NDMA और MHA हैं इसमें। NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यही इसकी देख रेख करते हैं जब भी डिजास्टर आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये देखा गया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, आपको कई जगह एयर सपोर्ट भी चाहिए होता है, कई बार लोगों को एयर लिफ्ट करना पड़ता है, कई जगह आपको वाटर बोट चाहिए, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के चलते भी कई बार जो है जो लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, वो एग्रेवेट हो जाता है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है या इसको कैसे हम संभाल सकते हैं, तो पहले तो आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप साइक्लोन प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें कि भैया यहाँ पर साइक्लोन आ सकता है। ठीक है, फिर आप उनको जोन में डिवाइड करें कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा विंड हिट करेगी वहाँ तो आप डेवलपमेंट होने ही ना दें, फिर उससे पीछे आएँ, बैरियर्स बनाएं, बैरियर्स के बाद आप छोटे घर बनाएं, फिर बड़े घर बनाएं, फिर बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, फिर होटल्स बनाएं, इस तरीके से आप डिवाइड करें जैसे कोस्टल जोन में होता है, जैसे कोस्टल जोन मैनेजमेंट CRZ जो है उसमें होता है। ठीक है, फिर जो बिल्डिंग्स हैं उसको ऐसा बनाएं कि अगर मतलब अगर उस बिल्डिंग का शेप ऐसा है
अगर उस बिल्डिंग का शेप ऐसा है तब तो उस पर सीधा लगेगा। अगर मान लिया वो बिल्डिंग समुद्र की साइड से ऐसी बनी हुई है तिकोने में, तो क्या है कि जो एरोडायनेमिक है उससे वो विंड्स जो है साइड में निकल जाएंगे। ये मेरा मानना है, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है। तो डिज़ाइन ऐसा किया जाए कि दे कैन विदस्टैंड दी विंड एंड दी फ्लड्स, ठीक है। देन कोस्टल ग्रीन बेल्ट बनाए, क्योंकि जब जैसे ही वो हिट करेगा तो उससे क्या होगा, उसका जो स्पीड होगा वो कम होगा और देर विल बी मिनिमल इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो दैट वॉज अबाउट द साइक्लोन्स, ठीक है। साइक्लोन के साथ कई बार फ्लड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना बारिश करता है, पानी लेके आता है कि उस एरिया में पानी भर जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन्स मे लीड टू फ्लड्स। अब फ्लड्स पढ़ लेते हैं। अब फ्लड्स क्या होता है, फ्लड्स भी देखो रिवर्स फ्लड्स जो हैं रिवर्स की वजह से भी आ सकते हैं, ओशन की वजह से भी आ सकते हैं। तो ओशन वाले फ्लड्स को ओशनिक फ्लड्स बोलते हैं, रिवर वाले को रिवर फ्लड्स बोलते हैं। इसके फॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दस फ्लड इज द स्टेट ऑफ हाई वाटर लेवल, है ना। अभी देखो भद्राचलम, अभी आंध्र प्रदेश में एक डैम है भद्राचलम, ठीक है। अब भद्राचलम पहली बार जीवन में ऐसा हो गया उसमें इतना पानी भर गया कि साइड से पानी निकलने लगा, ठीक है। अब जब साइड से पानी निकलने लगा तो जो एडजॉइनिंग एरियाज थे भद्राचलम के, वहाँ पे बाढ़ आ गई, ठीक है, क्योंकि इतनी बारिश हो गई। देखो जो फ्लड्स की प्रॉब्लम है वो मानसून सीजन में एग्रवेट हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे कि मानसून हमारे लिए वरदान है बहुत बड़ा और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। आपने आज के टाइम पे अगर आप अखबार उठा के देखोगे कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं आप उनके हाल देख लो, दिल्ली का हाल देख लो, ठीक है। जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं अपने, अगर आप सिटी में रहते तो जाकर देखना, अगर 20 मिनट ढंग की बारिश हो गई ना, अच्छी खासी बारिश हो गई, तो पूरी जो है सिटी जो है उसमें पूरा पानी भर जाता है। क्योंकि क्या है कि पूरा कंक्रीट बन गया है, जो सीवर बिछाई गई थी वो ओपन सीवर्स थी, ठीक है, या जो उसमें क्या है कि वो सिंगल प्लास्टिक किया उससे पूरा क्लॉग हो रखा है। चलो हम आगे आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे इसकी, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड्स। और फ्लैश फ्लड्स क्या होता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर इतनी बारिश हो गई किसी भी वजह से, हैवी रेन हो सकती है, डैम ब्रेक हो सकता है, लेवी फेलियर होता है। देखो लेवीज क्या होते हैं, अगर आपने गांव में देखा होगा तो किसी ने देखा कि पानी बनाते, जब खेतों में पानी लगाते हैं तो एक डॉल सी बना देते हैं ताकि पानी उससे उसको उस डॉल से जो है पानी को मैनेज करते हैं। फिर अगर दूसरे खेत में जाना होता है तो उस डॉल को तोड़ देते हैं और फिर पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उन्हीं को लीव्स बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं या लीव्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी बोल रहे हैं आप, ठीक है। मेरी तो प्रोनंसिएशन बहुत ख़राब है वैसे भी इंग्लिश की थोड़ी सी, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो लीव जो है कभी कभार टूट जाते हैं, जैसे सिल्चर फ्लड में क्या हुआ, सिल्चर फ्लड में क्या हुआ कि लीव था वो लेवी था जो वो टूट गया, उससे क्या हुआ जो पानी था साइडों का वो अंदर आ गया, ठीक है। देन स्नो मेल्ट हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से। पॉइंट यही है कि 6 घंटे के भीतर भीतर एक एरिया में इतना पानी आ गया या हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होगी, उस एरिया की कैपेसिटी नहीं थी उस पानी को उतना झेलने की कि वो उसको परकुलेट कर देता धरती में या ड्रेनेज के थ्रू बाहर भेज देता, नदी में भेजता। तो दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश फ्लड। क्या रीजंस हैं फ्लड्स के, देखो पहला है नेचुरल कॉसेस, फर्स्ट है एरेटिक कोर्स ऑफ रिवर्स। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कोसी बिहार में, कोसी जो है करते 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 इतना कोर्स ही वेस्ट से शुरू हुई थी, उसका कितना 300 या 350 साल में उसने 180 किलोमीटर शिफ्ट कर लिया अपना कोर्स। मतलब 180 साल पहले जब वो एक जगह से बहा करती थी, अब वो 180 किलोमीटर इधर आ गई है, अब दोबारा वो उस तरफ जा रही है। तो कितना चेंज कर रहे हैं वो कोर्स, अब जो नदी के बीच में आएगा वो तो साफ होगा ही होगा, ठीक है। तो चेंजिंग कोर्सेज ऑफ द रिवर एग्रेवेट्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स फ्लड्स इन द रीजन्स। देन हैवी रेन्स कंपल्ड विद पुअर ड्रेनेज, भाई भारी बारिश हो गई, पानी निकलने की जगह है, ड्रेनेज प्रॉपर है पर ज़्यादा कंक्रीट नहीं है, ज़मीन पर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो वो जो है परकुलेट कर जाएगा पानी, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट बारिश हुई, ऊपर पूरा कंक्रीट है, ड्रेनेज आपका ब्लॉक है, पानी भर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, फ्लड करेगा। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल था 2019 में हाई रेनफॉल हुई थी इन स्टेट्स लाइक असम एंड बिहार, वहाँ पे। अभी आपने दिल्ली में अब मानसून सीजन में दिल्ली में चले जाओ, ठीक है, चेन्नई फ्लड्स देख लो, ठीक है। तो ये सब जो है दे आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ हैवी रेन्स कपल्ड विद दी पुअर ड्रेनेज सिस्टम। देन देर आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, साइक्लोन आ गया, बता ही देता हूँ मैं आपको कि साइक्लोन कोस्टल एरिया तो बहुत सारी बारिश लेके आता है। क्लाउड बर्स्ट हो गया, अच्छा क्लाउड बर्स्ट भी हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट थोड़ा सा हिमालयन जो माउंटेनियस रीजन होते हैं उसका फिनोमिना होता है, मतलब मैं उनको गुस्से वाले क्लाउड्स बोलता हूँ कि उन्हें गुस्सा आ जाता है, ठीक है। देन देर इज रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर्स। अब
भाई रिवर आई, अब क्या होता है कि जब पहाड़ से रिवर आती है तो उसमें बहुत सारा मलबा आता है, मतलब रेत है ना, जो जिस घर से आपका रेत बनता है, बालू जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, और बोल्डर्स आते हैं। अब क्या हुआ कि ओवर द टाइम वो बोल्डर्स, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इतना पानी पहले इतना गहरी थी वो रिवर, बोल्डर्स आए और सिल्ट आई, तो अब इतना भर गया वो। अब पानी कितने एरिया में चल रहा है, इस एरिया में, ठीक है, जब तो जैसे ही पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नीचे बालू और बोल्डर्स जमा हो गए, ठीक है, इसलिए डिसिल्टेशन ऑफ रिवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। देन बहुत बार लैंडस्लाइड्स स्ट्रीम्स को वो कर देती हैं, ऐसे आर्टिफिशियल लेक्स बन जाते हैं, ठीक है, और उस वो लेक्स कभी कभार टूटते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारा फ्लड आ जाता है, ठीक है। जैसे चोराबारी लेक था, वो क्या था कि चोराबारी लेक में भी ये था कि वो बर्फ़ पिघली वहाँ पे, लेकिन उसका जो लेवे था वो उसको बांध नहीं पाया और टूट गया, और एकदम केदारनाथ वैली में इतना पानी आया कि फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई, मतलब भयंकर टाइप का फ्लड आया कि लोग बह गए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि फ्लड का हैज़ार्ड जो है कंट्रोल किया जाए, और जो जैसे हमारे सेडिमेंट डिपोजिशन है, पुअर ड्रेनेज है ना, रिवर फ्लड्स का मैनेजमेंट सही नहीं है, कोस्टल जो कोस्टल फ्लड्स आ जाते हैं उनका मैनेजमेंट सही नहीं, तो इन सबसे जो है प्रॉब्लम्स जो है कंपाउंड हो जाती हैं, ठीक है। ये देखिए आप, अब ये सीवर, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये सीवर बना हुआ है नीचे, अब पानी इसके नीचे से जाना चाहिए, लेकिन पानी यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पे चोक्ड होगा पक्का, ठीक है, किसी ने पन्नी फेंक दी होगी, किसी ने कुछ फेंक दिया होगा, ये चोक हो गया और यहाँ पूरा पानी भर गया। ये देखिए, ये अर्बन फ्लड्स, ये पुअर ड्रेनेज, बारिश हुई, पुअर ड्रेनेज थी नहीं, पूरा जो है एरिया जलमग्न हो गया, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये अराउंड द वर्ल्ड फिनोमिना है, इंडिया में ही नहीं है। देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, अभी तो हमने नेचुरल कॉजेज पढ़े, ठीक है, ये जो थे, ये इलेक्ट्रिक कोर्स ऑफ रिवर्स, हैवी रेन्स, एक्सट्रीम वेटर इवेंट्स, रिडक्शन इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर्स, है ना, ड्यू टू द सिल्टेशन, सैंड डेब्रिस, लैंड ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स, ये सब क्या थे, नेचुरल रीजन थे, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन। भाई अब नेचर कर रही है तो हम भी तो कुछ करेंगे, डिफॉरेस्टेशन, तो सबसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कहीं पेड़ लगा हुआ है तो वो वाटर पर्कुलेशन में मदद करता है, ज़मीन में वो पानी को भेजने में मदद करता है, अब जब अगर वो फॉरेस्ट या पेड़ वो रहेगा ही नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है पानी भेजने में। देन इंटरनेशनल डायमेंशन देखिए हम, अब क्या होता है, देखो इंडिया में जितनी भी रिवर्स आती हैं, कई सारी रिवर्स में चाइना, नेपाल और भूटान से आती हैं, ठीक है, जो कि फ्लड्स पैदा कर देती हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम में, ठीक है। अब मान लिया नेपाल ने डैम बना दिया एक रिवर पे, काली रिवर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो जैसी वहाँ बारिश हुई तो वो पानी का डैम से जो है पानी का जो वॉल्यूम है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है। अब आपकी लड़ाई रहेगी तो बोले नहीं, जाने दो, बहने दो, बहने दो उन्हें, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल डिमेंशन भी है फ्लड मैनेजमेंट में, ठीक है। देन पॉपुलेशन प्रेशर तो है ही है, इतने सारे लोग हो गए हैं, अर्बन एरियाज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पुअर है जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देन पुअर वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट है, जो ओल्ड ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम है अर्बन एरियाज़ में, वो उन्हें अभी बदला ही नहीं गया है, वो जमे हुए हैं, है ना। इसलिए आप अगर आपने देखा हो कई बार जो लोग सिटी में रहते हैं तो बरसात से पहले क्या होता है कि जो एमसीडी वाले होते हैं, एमसीडी तो खैर दिल्ली की हो गई, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि हटाते हैं सीवर को और साफ़ करते हैं, उनका पूरी सफाई करते हैं ताकि पानी जैसे ही मानसून हिट करे पानी उनसे निकल जाए, ठीक है। देन पुअर डैम मैनेजमेंट, एजिंग डैम से कभी भी टूट सकते हैं, पता ही नहीं किस दिन कब कौन सा डैम टूट जाए, ठीक है, तो ये सब चेक होने चाहिए। और उसी की वजह से क्या होता है, डैम्स में कई बार इतना पानी भर जाता है कि पता नहीं लगता कितना पानी छोड़ दिया हमने। तो डैम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि डैम, यहाँ डैम बना हुआ है, यहाँ पानी जमा हुआ है, जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं ना, इसके बाद जो उसके बाद लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पानी कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि चैनल भाई रिवर का चैनल तो एक मात्रा में ही है, ठीक है, अगर आप ज़्यादा पानी छोड़ोगे एकदम तो वो फैलेगा ही फैलेगा, तो वो जो एडजॉइनिंग एरिया है उसमें फ्लड पैदा कर देता है। देन आपकी अनप्लान अर्बनाइजेशन तो है ही है, ठीक है, आपने मतलब कैसे भी घर बन रहे हैं, कोई उसमें मैनेजमेंट नहीं है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की परमिशन कोई नहीं लेता है, जो तो डिज़ाइन है वो वैसे होने चाहिए, ठीक है, और ड्रेनेज जो है वो क्लॉग्ड रहती हैं, तो देर इज़ एन अनप्लान अर्बनाइजेशन, नाउ दैट एग्रेवेट्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड्स देख लेते हैं इंडिया में। अब देखो इंडिया में जो है 329 मिलियन हेक्टेयर्स हैं, हेक्टेयर लैंड है, उसमें से ये माना जाता है कि 40 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो फ्लड अफेक्टेड है। अब देखो जितनी भी रिवर्स
हैं जहाँ पे ख़त्म हो रही हैं या जहाँ से जा रही हैं, गंगा और यमुना, ये जो रेड वाले हैं ये एरिया फ्लड फ्लड वाले हैं कि दे आर सब्जेक्ट टू फ्लड, वहाँ फ्लड कभी भी आ सकता है। तो रिवर्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और कोस्टल कोस्टल में क्या होता है, कोस्टल में जो पतली सी स्ट्रिप जो कोस्ट के अराउंड होती है वहाँ पर बहुत फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, और इधर देखिए आप, यहाँ से गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है। ठीक है, ये सब क्या है, फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं। इनफैक्ट लॉस ऑफ रेवेन्यू या लॉस ऑफ मॉनेटरी लॉस जो जो कैलकुलेट किया गया था 1996 से 2005 तक, इतना फ्लड आया कि 4745 करोड़ का नुकसान हो गया हमारा। ठीक है, और हम नहीं कह रहे हैं, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि मोर देन 12% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इज़ प्रोन टू फ्लड्स। 12% से ज़्यादा एरिया जो है इट्स प्रोन टू फ्लड्स। वट आर दी कॉन्सिक्वेंस एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दी फ्लड्स? ठीक है, देखो कुछ स्टेट्स हैं जो फ्लड से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं, बिहार एक उनमें से है, देन देर इज़ वेस्ट बंगाल, देन देर इज़ असम, देन देर इज़ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, देन देर इज़ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में साइक्लोन की वजह से आता है। ठीक है, हरियाणा में फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। अब हरियाणा में टेक्निकली फ्लड्स आने नहीं चाहिए, वहाँ कोई रिवर तो है नहीं, ठीक है, एक आदि को छोड़ के, लोनी रिवर को छोड़ के, तो लेकिन आ जाते हैं। जब भी फ्लड्स आते हैं देर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ, देर इज़ लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लोगों के जो पशु हैं, जो लोगों की ज़मीन है वो पानी के नीचे आ जाती है, जो उन्होंने फसल बोई होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इट अफेक्ट्स पीपल इन अ वेरी मल्टी डिमेंशनल वे, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को इफेक्ट करता है लोगों की, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो फ्लड कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल में थोड़ा सा प्रिवेंटिव स्टेप है ये, आप एफॉरेस्टेशन करें, पेड़ लगाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, वाटर पर्कुलेशन बेटर होगा, ग्राउंड वाटर जो जितना ग्राउंड में वाटर जाएगा उतना रन ऑफ वाटर कम हो जाएगा, रन ऑफ वाटर होता है तो जो ज़मीन के ऊपर चलता है। ठीक है, अगर वो वाटर पर्कुलेट हो जाएगा तो रन ऑफ वाटर कम हो जाएगा आपका। ठीक है, आप डैम बना सकते हैं अच्छे, और आप उसमें मॉनिटर करेंगे आप कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर छोड़ रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर आप छोड़ रहे हैं नीचे वो कितना राइज करेगा रिवर का जो लेवल है, और कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, देन आप डीसिल्टिंग कर सकते हैं, जो सिल्ट आई है या बोल्डर्स आए हैं या कोई भी मटेरियल आया है उसे आप खोद के निकाल सकते हैं। इसलिए जो है माइनिंग जो है अलाउ कर दी जाती है मानसून से पहले, क्योंकि वो खोद देते हैं तो रिवर का बेड जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा वाटर ले जा सके। ठीक है, आप इम्बैकमेंट बड़ा कर सकते हैं, लेवेज बना सकते हैं साइड में, तो ये फ्लड कंट्रोल के मैकेनिज्म है। अब फ्लड आ गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, फ्लड आ गया, फ्लड को मैनेज कैसे करें? पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपको फ्लड प्रोन एरियाज हैं कौन कौन से। ठीक है, देन आप फ्लड फॉरकास्टिंग करें, जो कि मतलब बहुत सारे IMD फॉरकास्ट कर देती है, सेंट्रल वाटर कमीशन फॉरकास्ट करती है, इरीगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट फॉरकास्ट कर देते हैं कि भैया देखो फ्लड आने वाला है, आप लोग चले जाएँ। ठीक है, देन आपका लैंड यूज प्लानिंग सही होना चाहिए, कि आप ऐसा नहीं कि जो बहुत फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पर आप खेती, वहाँ पर ज़्यादा खेती कर लें, ऐसा नहीं आपने मकान बना दिए वहाँ पर, क्योंकि जब फ्लड आएगा चलो फसल तो डूबेगी लेकिन लॉस ऑफ लाइफ तो नहीं होगी। देन एफॉरेस्टेशन को इंक्रेज किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाटर को पर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था। देन स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में हमने डिवाइड किया फ्लड प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन को। तो देखो स्ट्रक्चरल मेजर्स तो बहुत ईजी हैं, आप रिजर्वायर्स बनाएं, डैम्स बनाएं, एम्बैकमेंट बनाएं, फ्लड लीव्स बनाएं कि साइड में, भाई घर के बाहर देखा आपने, आप अपने घर के बाहर ऐसा रैम बना देते हो जो रोड से पानी आ रहा होता है वो उधर ही रह जाता है या साइड में निकल जाता है, तो वैसे बना लें आप जो रिवर चैनल है उसके बगल में, फ्लड वॉल्स बना लें। ठीक है, जो ड्रेनेज है उसको इम्प्रूव करें, डीसिल्टिंग करें, ड्रेजिंग करें रिवर की, है ना। देखो आपको दिखाते हैं, ये होती है ड्रेजिंग ऑफ रिवर या डीसिल्टिंग ऑफ रिवर। ठीक है, ये देखो ये जैसे भी जो है पानी से निकाल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड डीसिल्टिंग एंड ड्रेजिंग ऑफ रिवर। ठीक है, देन कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट करें, एफॉरेस्टेशन करें, डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर के डैम्स के थ्रू या बैरेजेस के थ्रू आप जो है पानी जो है आपने साइड में एक कैनाल बना रखा है। ठीक है, आपको लगता है कि पानी रिवर में ज़्यादा हो रहा है आप कैनाल में छोड़ दो। ठीक है, तो देर कैन भी डाइवर्जन ऑफ वाटर, तो ये स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं। देन देर आर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लाइक फ्लड प्लेन जोनिंग। फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होती है, आप जोन करो। ठीक है, ये आपकी रिवर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार यहाँ तक तो मैं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दूंगा, यहाँ तक पानी राइज कभी भी कर सकता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में आपने देखा कि यहाँ तक पानी राइज किया है, मैं यहाँ तक भी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक पार्क बना लो, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा लो, लेकिन भाई पानी इसके ऊपर तो कभी नहीं जाएगा, चलो फिर आप यहाँ बिल्डिंग बना लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, फ्लड जोनिंग हो गई। देन फ्लड प्रूफिंग होती है कि घर को क्या स्ट्रक्चर आप ऐसा बनाएं कि पानी निकल सके।
कहते घर के नीचे आप ऐसे पाइप्स लगा दें या कोई स्ट्रॉन्ग स्टील का स्ट्रक्चर डाल दें कि पानी जो है बाहर निकल सके, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको बोलते हैं फ्लड प्रूफिंग। देन फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, कि वाटर शेड होना चाहिए, जैसे वाटर शेड डेवलपमेंट होना चाहिए, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए घरों में, कि जो रेन वाटर है भाई जितना हार्वेस्ट हो जाएगा उतना तो टैंक में चला गया ना, तो कम से कम उतना पानी तो बचा कि वो जो रोड पे या रन ऑफ पे जाना था उससे बचा, ठीक है। तो इसीलिए वाटर हार्वेस्टिंग भी प्रमोट की जानी चाहिए, ठीक है। देन अब एक नया कंसेप्ट, नई प्रॉब्लम आ गई अर्बन फ्लड्स। देखो फ्लड्स नहीं पूछेगा आपसे, अर्बन फ्लड पूछेगा, ठीक है। तो इट हैज़ बीन सीन ओवर द ईयर्स दैट द रेट ऑफ द फ्लड्स इंक्रीजिंग इन अर्बन एरिया हैज इंक्रीज्ड बाय अ लार्ज मार्जिन, ठीक है। नाउ अर्बन फ्लडिंग अकर्स व्हेन स्टॉर्म वाटर फ्लोज इनटू एन अर्बन एरिया एट अ हायर रेट दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू ग्राउंड और मूव बाय टू वाटर बॉडी और स्टोर्ड इन रिजर्वायर। ना वही वही कहानी, फ्लड भैया फ्लड कब आएगा? फ्लड तभी आएगा, बारिश हो रही है, कितनी भी बारिश हो रही है ना, अगर उस एरिया में अच्छा ड्रेनेज है, वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, उसका वाटर पॉपुलेशन इन अंदर आप कितनी भी रेन कर लो, वहाँ फ्लड नहीं आएगा। फ्लड तभी आता है कि जितना पानी आपने, देखो इनपुट आउटपुट की प्रॉब्लम है, जितना पानी आपने दिया वो जितना पानी आपने निकाला उससे ज़्यादा है, तो उस एरिया में फ्लड आ जाएगा। तो उसके कॉजेज क्या हैं? पहला है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, मौसम से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, साइक्लोन और हरिकेन आ गया, थंडर स्टॉर्म आ गई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो गया, स्नो मेल्ट हो गया, स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो गया, इसकी वजह से कई बार पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2006 और 2017 में मुंबई में बहुत तगड़े फ्लड्स आए, तो इसको जो एट्रीब्यूट किया गया क्लाइमेट इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज से एंड इंक्रीज प्रेसिपिटेशन से कि ज़्यादा बारिश होनी है। देन हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स जो पानी से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो यही है कि देर इज़ अ रैपिड अर्बनाइजेशन है जिसने कि हाइड्रोलॉजी एंड सरफेस रन ऑफ को बढ़ाया है, हाइड्रोलॉजी को इफेक्ट किया है, सरफेस पर पानी ज़्यादा बहता है क्योंकि जहाँ पानी ज़मीन के नीचे जाना था वहाँ तो आपने रोड बिछा रखी है या वहाँ तो कंक्रीट की रोड बनी हुई है, तो वो कंक्रीट को तो परकुलेट करेगा नहीं, तो पानी बहेगा, देखा आपने रोड पे पानी बहते हुए, क्योंकि रोड को परकुलेट नहीं कर पाता पानी, ठीक है। तो जहाँ पे ज़मीन थी वहाँ पे आपने रोड बना दी, तो उससे क्या हुआ, पानी का जो परकुलेशन था वो कम हो गया, सरफेस रन ऑफ बढ़ गया, आपका ड्रेनेज पुअर था, फ्लड आ गया, ठीक है। देन जो आप नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर है, कई बार अर्बन एरियाज बनवाते हो आप उनको निगलेक्ट करते हो, जो नेचुरल कोर्स है, हो सकता है कि उस समय वहाँ पे पानी ना हो लेकिन जब बरसात होती है तो पक्का पानी आएगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जो इनफ्लेट जो परकुलेशन है वाटर का वो कम होता है अर्बन एरियाज में, मैंने आपको बता दिया। देन जो वेस्ट वाटर है वो ज़्यादा एंटर हो जाता है रिवर्स एंड लेक्स में, जिसकी उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। देखो कई सारी एरियाज अर्बन एरियाज में लेक्स होते हैं, कम से कम उस लेक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब ज़्यादा पानी हो तो उसमें भेज दिया जाए, लेकिन भेजोगे तो तब जो वो पहले ही आपने उसमें इतना गंदा पानी भरा हुआ है कि और पानी की जगह ही नहीं होती वहाँ, अगर वहाँ भेजोगे पता लग रहा है उसके एडजॉइनिंग एरिया में फ्लड्स आ गए, तो ये प्रॉब्लम होती है जो नेचुरल ड्रेन्स होते हैं। देखो बने हुए सब कुछ पहले से था, ठीक है, अर्थ ने आपको मैकेनिज्म दे रखा था कि पानी निकल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इंटरफेयर किया और हम ही लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, ठीक है। देन ह्यूमन फैक्टर्स हैं, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन हो रही है, हम लोगों ने जो बिल्डिंग है हमारी वो फ्लड रिस्क को असेस ही नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। एनक्रोचमेंट है फ्लड प्लेस में, पता लग रहा है, इनफैक्ट मैंने केसेस देखे हैं कि खसरा खतौनी में नदी की ज़मीन लिखी हुई है और लोगों ने वो वहाँ घर बनाए हुए हैं, तो अब किसी ना किसी दिन तो वहाँ बाढ़ आएगी क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रिवर अपनी कोर्स तो लेती ही है पूरा, ठीक है। यह बहुत जैसे एग्जाम्पल हैं, जो जब दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल बनाया गया था तो उसने यमुना फ्लड प्लेन को निगलेक्ट कर दिया, यमुना फ्लड प्लेन पर बनाया, CWG विलेज जो कॉमनवेल्थ से बनाया गया था उसने यमुना फ्लड प्लेन को निगलेक्ट किया, ठीक है। अभी तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ निगलेक्ट करने का रिजल्ट क्या होता है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब रनवे नंबर 2 बन रहा था, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अदियार रिवर है उसके बगल में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2015 में क्या हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये जो फोटो देख रहे हैं ना जेट एयरवेज का प्लान के नीचे ये पानी भरा हुआ है, ये अदियार रिवर से पानी आ गया क्योंकि नेचुरल फ्लड प्लेन में आपने उठा के डेवलपमेंट कर दी, ड्रेनेज आपने बनाया नहीं, या बनाना है तो आप प्रॉपर प्लानिंग से बनाओ, ठीक है। कि देख रहे हो सिंगल प्लास्टिक यूज प्लास्टिक से पानी कहाँ चल पाएगा, यहाँ वाटर क्लॉगिंग नहीं होगी। ये देखो ये जो नेचुरल मतलब बनाए भी हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे कैनाल्स बनाए हैं कि जब जैसे ही पानी ये बरसे अर्बन में तो पानी निकल जाए, पानी की निकासी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आप देखो ये यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक या प्लास्टिक से कितने भरे हुए रहते हैं, तो आपको लगता है कि जब बारिश होगी तो इसमें से पानी निकल पाएगा, ये तो ऑलरेडी क्लॉग्ड रहते हैं, ठीक है।
ऐसे ही अभी बड़ा रिसेंट एग्जांपल है अमरावती की, जो अमरावती कैपिटल बनाई जा रही है, सिटी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की, वो दैट इज बिंग बिल्ड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑफ कृष्णा रिवर। नाउ इट्स टाइम विल टेल दैट वट हैपन्स टू दैट प्लेस ऑल्सो। ठीक है, देन देर इज लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज चैनल्स। ठीक है, इनफैक्ट एक यूएन नेशंस हैबिटेट पेपर का, यूएन यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का एक पेपर है मुंबई फ्लड्स पे, और उसने कहा कि अगर, उसने बताया कि जो लो लाइंग एरियाज थे मुंबई के, वो जब बारिश ख़त्म हो गई थी उसके 10 दिन तक भी वो पानी भरा हुआ था वहाँ पे, इतनी ड्रेनेज की समस्या है। ठीक है, एक रिवर जाती है वहाँ से, मीठी रिवर, ठीक है, और उसमें भी रिवर जाने के बावजूद वो पानी उसमें नहीं भेज पा रहे थे। ठीक है, और उस रिवर की वजह से भी वहाँ फ्लड्स आ रहे थे। तो ये देखा गया कि 10 दिन बारिश बंद हो गई लेकिन 10 दिन तक भी वहाँ पानी भरा हुआ है, तो आप पानी निकाल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, देन सिल्टेशन होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क नहीं है आपके पास कुछ कि कैसे हम मैनेज करेंगे। ठीक है, अनप्रिपेयर्डनेस तो अब खैर बढ़ रहा है, ऐसा देखो यार, लैक ऑफ, हम पॉइंट्स लिखने के लिए लिख देते हैं, बट टू बी वेरी ट्रू, प्रिपेयर्डनेस बढ़ रही है ओवर द टाइम, और रोबस्ट होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, यही जो टाइम की डिमांड है वही बताएगा। तो कॉजेज मैंने आपको बता दिए, एक तो क्लाइमेट एंड जो मेट्रोलॉजिकल होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल होते हैं, पूरा अर्बन प्लानिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, देन एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटीज़ है, तो ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, देन अर्बन फ्लड रिस्क इन इंडिया, इंडिया में क्या है, तो इंडिया देखो, इंडिया में एक बड़ा अच्छी बात है कि जैसे ही मानसून आता है, मैंने आपको बता दिया पहले भी कि मानसून जैसे ही आता है वैसे ही रेनफॉल जो है बढ़ जाती है, उससे क्या होता है अर्बन सिस्टम जो है, अर्बन जो एरिया था उसमें तो पानी पूरा भर जाता है। ठीक है, देन देर इज अ सडन रिलीज और रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम्स, वो जो है फ्लडिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन अर्बन हीट आइलैंड एक इफेक्ट होता है, अर्बन आइलैंड इफेक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है। जहाँ तो ऐसा देखा गया, जहाँ तो पेड़ है वहाँ तो जो वार्म एयर है वो बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, लेकिन अर्बन एरियाज में ये देखा गया कि वाटर जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है एक ही जगह पे। ठीक है, ऐसा एक गुंबद सा बन जाता है, डोम बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे पेड़ होंगे वहाँ ज़्यादा जाती है। ठीक है, वहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कम होता है जहाँ पे पेड़ होंगे, एकदम छोड़ देते हैं और दूर तक जाते हैं। अर्बन एरियाज़ में जो हीट एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक रहती है, कम दूर तक, ये यहीं पे हल्का सा ऊपर जाएगा और यहीं पे एक जो है गुंबद सा बना लेता है जो गर्म हवाएं होती हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, रूरल में तो जल्दी से छोड़ देता है वो, रिटेंशन कम होती है वहाँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स प्रमोट करते हैं ट्रांसपीरेशन को, वाटर इवेपोरेशन को सॉइल से। यहाँ पे तो सॉइल देखो, इस कंक्रीट के नीचे दबी हुई है, तो क्या सॉइल वो करेगी, वाटर पेनिट्रेशन यहाँ बहुत कम होता है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्बन जो नॉर्मल होता है, अगर आप किसी सिटी में, जैसे अगर आप गाँव से सिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि 3 से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म होती हैं सिटीज़, वो क्यों होती हैं, वो अर्बन हीट आइलैंड की वजह से होती हैं। और अर्बन हीट आइलैंड ही वो फिनोमेना, देखो जब गर्म हवाएं ज़्यादा तो ऊपर तक रहेंगे तो एकदम क्लाउड बना देगी, तो फिर बारिश होगी तो वो भी ऐड ऑन करता है। बारिश हो जाती है एकदम तेज़ी से अर्बन एरियाज़ में, कहीं भी अनप्रेसिडेंटेड रेन हो जाती है, दैट लीड्स टू फ्लडिंग। फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज तो है ही, जिसने वेटर पैटर्न्स को पूरा चेंज कर दिया है ना, हमारी जो रिवर कोर्सेज हैं वो चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ जो हमारी इकोलॉजी है वो एज अ होल चेंज हो रही है, दैट हैज़ एग्रेवेटेड एंड एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड में आपको समझा दिया। देन अर्बन फ्लड मैनेजमेंट इंडिया की बात करें तो 2010 में NDMA ने गाइडलाइंस बनाई अर्बन फ्लड मैनेजमेंट की इंडिया में। उन्होंने कहा, सबसे जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी, उन्होंने कहा कि आप नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क बनाओ, उसको सेंट्रल वाटर कमीशन कोऑर्डिनेट करेगा और वो ट्राई करेगा कि रियल टाइम आप हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो और रियल टाइम डाटा आपको मिलता रहे ताकि अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अदर रिकमेंडेशन क्या थी NDMA की, कि आप डॉपलर वेदर रेडार्स, जो वेदर रेडार्स ही बोलते हैं वैसे, डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल होता है उसमें, और सबसे अच्छे रेडार्स यही होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, आप प्लानिंग करें कैचमेंट के लिए, वाटर ड्रेनेज को अच्छा बनाएं अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू। ठीक है, जो रोड्स हैं या जो भी ड्रेनेज सिस्टम बनाने, आप ये देखेंगे आगे फ्लड की जो प्रॉब्लम आएगी उसे सोचते हुए बनाएं। ठीक है, जो बिल्डिंग बने अर्बन एरिया में, दैट शुड हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग यूटिलिटी। जो लो लाइंग एरियाज हैं आप उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वहाँ पे ज़्यादा मकान ना बनाएं, कम लोग रखें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें वहाँ पे,
so that the law it has a low impact on the human activities. Then encroachment नहीं होनी चाहिए. Encroachment जो है बहुत बड़ी problem है. Encroachment lead करती है flooding problem को urban areas में. अगर ऐसा है तो आप penal action लगाएं, चलान, बल्कि encroachment पर आप चलान करते हैं तो तोड़ ही देते हैं बल्कि, है ना. अर्बन फ्लडिंग जो है सेपरेट डिजास्टर की तरह देखा जाना चाहिए. एक्चुअली अभी फ्लडिंग के साथ ही अर्बन फ्लड्स को देखा जाना चाहिए, बट ओवर द टाइम क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है तो अर्बन फ्लडिंग को जो है तोड़ के देखा जाना चाहिए. इट शुड बी सीन एज अ न्यू कंपार्टमेंट और न्यू सेपरेट डिजास्टर. ठीक है, क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है मैनेजमेंट के अर्बन फ्लड्स के इंडिया में. ठीक है, पहले तो आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट नहीं है कि भाई आपको पता हो कि क्या रिस्क है, कहाँ बाढ़ आ सकती है, कितनी बारिश कहाँ होगी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो आप थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट करें. ठीक है, असेसमेंट करें, उसके बाद रिस्क असेसमेंट करें कितना रिस्क है. ठीक है, और उसी हिसाब से पॉलिसी बनाएं. मैपिंग का इग्नोरेंस है. देन देर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज एंड देर इज अ डिस इंटीग्रेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स. क्योंकि देखो यार, हर इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पैसा लगता है, तो इस चीज़ को अगर आपको डेवलप करना है, एक रोबस्ट फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा और वो पैसा सही जगह लगना चाहिए, किसी की जेब में जाना चाहिए. देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू मिटिगेट अर्बन फ्लड्स इन इंडियन सिटीज. जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा है. ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको. पहले तो आप मिटिगेट करने की कोशिश करें उसको, जो इफेक्ट हो गया उन्हें रिहेबिलिटेट करें. ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाएं जितनी भी सिटीज़ में वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स हैं या विलेज लेवल पे जितनी भी हैं, उनका एक आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए. उसमें कितना पानी जा रहा है, कितनी उनकी कैपेसिटी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए. देन कैचमेंट एरिया जो भी रिवर्स के हैं, लेक्स के हैं, वो प्रोटेक्टेड एरियाज में आप लोग डाल सकते हैं. उससे क्या होगा कि उनका बेहतर देखरेख हो सकती है. देन जो प्लानिंग गाइडलाइंस हैं वो उसको जो है टोपोग्राफी, ड्रेनेज, रेनफॉल, लिथोलॉजी या लिथो जो भी मतलब जो आपका सॉइल या अर्थ की क्रस्ट से रिलेटेड होता है, वो सब जो है आपको पता होना चाहिए. दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल यू फ्रेम द गाइडलाइंस एंड प्लान फॉर द फ्यूचर टू यू नो फॉर द फ्लड मैनेजमेंट. देन आप फ्लड वल्नरेबिलिटी मैपिंग करो. मतलब आप पता लगाओ कि यार देखो ये एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है. मैंने आपको कल बताया था कि अर्थक्वेक में हम देख रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न, देन पार्ट्स ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड, दैट हिमालयन, अल्पाइन हिमालयन जो बेल्ट आ रही है, दैट इज़ मोर वल्नरेबल. ठीक है, सदर्न स्टेट्स आर नॉट दैट वल्नरेबल टू अर्थक्वेक. ऐसे आप लोग फ्लड वल्नरेबिलिटी की भी मैपिंग करो. ठीक है, ठीक है, ये कॉमन, देखो वल्नरेबिलिटी मैपिंग इज कॉमन टू ऑल डिजास्टर. यू शुड हैव वल्नरेबिलिटी मैपिंग फॉर ऑल डिजास्टर्स. ठीक है, देन वाटरशेड मैनेजमेंट होनी चाहिए जिसमें आप डिसिल्टिंग करो. टाइमली क्लीनिंग होनी चाहिए ड्रेनेज की. सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन हो गया, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. दैट लेड टू द क्लॉगिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स. देन यू कैन क्रिएट फ्लड वॉल्स. देन आप क्रिटिकल इमरजेंसी लाइवलीहुड, अगर फ्लड आ जाता है तो आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. देखो फ्लड आ गया, ये SOP है हमारी, ये हमें पता होना चाहिए, ऐसा ऐसा हमें करना है, जिससे कि जैसे उसमें क्या होगा, आपको हेल्थ और वाटर और फूड वाले जो एरियाज़ हैं इनको बड़ा रोबस्ट होना चाहिए, लोगों तक तो खाना पहुंच सके, पानी पहुंच सके, सैनिटेशन पहुंच सके, और हेल्थ जो अगर कहीं किसी को चोट लग जाती है तो उससे जल्द से जल्द उस तक हेल्थ पहुंच सके. देन एनक्रोचमेंट हटाना चाहिए जो भी जहाँ पे भी लो, खासकर जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ से. देन आपको ग्रीन कवर लगाना है. एफॉरेस्टेशन करें, रीफॉरेस्टेशन करें जहाँ वो था, विच हेल्प्स इन द परकुलेशन ऑफ वाटर. फ्लड्स को डाइवर्ट कर सकते हैं कैनाल, बैरेजेस, एम्बैकमेंट, लीव्स से. ठीक है, एंड अवेयरनेस फैलाएं फ्लड प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन के बारे में. लोगों को बताएं कि अगर अच्छा फ्लड आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ये करेंगे तो फ्लड से बचाव होगा. अगर बाई चांस फ्लड आ जाता है तो आप ये चीज़ करें, ऐसे ऐसे करें, और ऐसे ऐसे आप जो तक जो है राहत पहुँचेगी. तो ये सब जो है आप लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं. अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो पढ़ते हैं, क्लाउड बस्ट. तो क्लाउड बस्ट क्या होता है, लोगों को कई बार लगता है बादल फट गया. बादल फटता नहीं है, एक्चुअली होता क्या है कि ये गुस्से वाले बादल होते हैं कि एक्चुअली देखो वार्म एयर हुई है, ऊपर उठा, लेकिन क्या हुआ कि अब जब ये ऊपर उठा तो इसको बोला कि ठीक है यार, मेरे अंदर बहुत पानी भर गया है, मेरे अंदर अब मुझे जो है बारिश करनी करनी है. लेकिन जो वार्म एयर होती है वो उसके अंदर आती जाती है नीचे से, वो जो है मॉइस्चर उसको ऊपर और ले जाती है. अब जब वो और ऊपर जाता है तो होता क्या है कि ड्रॉपलेट्स, पहले छोटी थी, छोटी छोटी बारिश होनी थी, वो ऊपर जाते जाते और कंडेंसेशन से ड्रॉपलेट जो है मोटी होती जाती है और बादल जो है भारी होता जाता है. तो जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाता है उसे गुस्सा आता है, उसे अब क्लाउड बोलते हैं अब मेरे से और नहीं हो पाएगा, अब हमसे ना हो पाएगा, अब हम बरसेंगे. और जब हम बरसेंगे तो बहुत ज़ोर बरसेंगे. तो IMD कैसे डिफाइन करती है क्लाउड बर्स्ट को, इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग 100 mm और 10 cm per hour ओवर अ ज्योग्राफिकल रीजन
अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर होगी, 20 to 30 किलोमीटर में इतनी बारिश हो जाती है, इतनी मोटी बारिश होती है, इतनी एक घंटे में इतनी बारिश हो जाएगी, इतना पानी आ जाता है कि वो पानी कंट्रोल ही नहीं होता, एंड दैट क्रिएट्स फ्लड्स. ठीक है, दैट क्रिएट्स फ्लड्स. इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी एग्जाम्पल वॉज केदारनाथ फ्लड्स इन 2013, इज वॉट इट वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड बर्स्ट. एंड रिसेंटली जो सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है, वट हैपन इन अमरनाथ, अभी वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, किसकी वजह से? क्लाउड बर्स्ट की वजह से. इतनी तेज बारिश हो गई इतने कम समय में, इतने छोटे एरिए में, कि उस एरिया के पास कोई उपाय नहीं है, वहाँ इतना पानी आ जाएगा कि जो भी उसके अराउंड या उसकी आपने देखा कि मतलब इतना पानी रहता है कि उसके साथ इतने बड़े बड़े पत्थर जो है मूव करते हैं. ठीक है, इतनी फोर्स रहती है उस पानी को, जो भी उसके पाथ में आता है वो हर चीज़ को तबाह करते जाता है. तो दैट इज़ नोन एज क्लाउड बर्स्ट. ये थोड़ा हिमालयन फिलोमिना या इट इज़ मोर रिलेटेड टू माउंटेन, है ना, प्लेन्स में क्लाउड बर्स्ट नहीं देखा जाता, ज़्यादातर ये माउंटेनियस रीजन में ही देखा जाता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस डिज़ास्टर, एंड ये बहुत कम टाइम देता है. फ्लड में तो आप फिर भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन क्लाउड बर्स्ट जो है बहुत सडन होता है, पता नहीं चलता, और लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है क्लाउड बर्स्ट में. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द साइक्लोन्स एंड फ्लड्स. अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना हुआ है, दैट इज़ अवेलेबल ऑन आर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आर साइट. प्लीज़ गो देयर, डाउनलोड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.